हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग को चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, पीटीसी इंडिया लिमिटेड को हमने बहुत बार शॉर्ट टर्म में बाय करके प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ये हमारा जो पीटीसी इंडिया का 9th वीडियो है। दोस्तों, अभी इसका जो मार्केट प्राइस है 76 और बुक वैल्यू है 125। तो बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ता वैल्यूएशन में मिल रहा है। ये स्टॉक में बहुत ही करेक्शन हो गया, फर्दर आगे भी हो सकता है, बट ये पॉइंट हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जो इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है और डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है। जो फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों, ये पिछले साल का जो 2022 ईयर का जो अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया उसका रिजल्ट है। इसमें पीएफसी इंडिया का इसका जो सब्सिडरी है उसमें कुछ इश्यूज था, इसके लिए जो रिजल्ट डिले हो गया था, जो अभी इसका रिजल्ट आने वाला है, साथ साथ में डिविडेंड का भी अप्रूवल शायद आ सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, अभी इसका मार्केट कैप है 2239। अभी जो मार्केट प्राइस है 52 वीक्स का लो का रेंज में मिल रहा है। आप इधर देख सकते हैं 71 लोएस्ट है और 144 हाईएस्ट है इसका, और बुक वैल्यू 125 ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और इसका फेस वैल्यू है 10। तो दोस्तों, ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देखता है। अगर आप पिछले साल का डाटा देखते हैं तो 7.5 रुपीस का डिविडेंड है, और 2020 में भी ऑलमोस्ट 7.5 रुपीस का डिविडेंड है। 2022 का अभी भी एक बार भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल रिजल्ट का डिले की वजह से शायद अभी 5 से 7 रुपये का डिविडेंड आने का उम्मीद है। अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं तो 3 क्वार्टर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 390 करोड़ का 3 क्वार्टर का रिजल्ट होता है। कंपेरेटिवली पिछले साल 457 क्रोर्स का इनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट था। शायद मार्च का 63 क्रोर्स से ज़्यादा होते हैं, तो ये पिछले साल से भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट का हमने जैसा बताया, 28 जून को इन्होंने अपडेट दिया हुआ है। मीटिंग डेट रहेगा 5 जुलाई। इसमें अगर आप बाहर से देखते हैं तो डिविडेंड का कुछ अपडेट नहीं है, इधर अटैचमेंट दिया हुआ है। अगर आप अटैचमेंट देख ओपन करके इसमें पढ़ता है तो शेड्यूल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ट्यूजडे 5 जुलाई इंटरलियर टू कंसिडर अप्रूव टेक रिकॉर्ड ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो फर्दर इन्होंने इधर भी ये भी दे चुका है, कंसिडर रिकमेंडेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड अमॉन्गेस्ट अदर आइटम्स मैंशन इन द एजेंडा। तो एजेंडा में फाइनेंशियल रिजल्ट का साथ साथ में डिविडेंड का भी रहेगा, तो हमको 5 से 7 रुपये का डिविडेंड उम्मीद रख सकते हैं इसमें। शॉर्ट टर्म के लिए आपको 5 से 10% का ये रिटर्न्स भी दे सकते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ऑलरेडी ये बुलिंजर बैंड को कट करके नीचे का तरफ गया था, अभी ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है इसमें। RSI 45 आप इधर से देख सकते हैं, MACD का लाइन कट करके ऊपर का तरफ इशारा कर रहा है, बट सपोर्ट लाइन से नीचे इसमें क्रॉस ओवर हो चुका है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। बट शॉर्ट टर्म में हमको थोड़ा इसमें 10 से 15% का रिटर्न्स को उम्मीद रख सकते हैं। और नॉर्मली हम टिकर टेप का टारगेट देख लेते हैं, जो हमने पहले का वीडियो में पोस्ट किया था, तभी 89 प्राइस था उसका। कंपेरेटिवली उन्होंने मीडियम 70% बताया हुआ है, तो हमें बहुत शॉर्ट टर्म का जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 से 15%। अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करता है तो इसमें एंट्री लेने के लिए ये अच्छा प्राइस रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों।